बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल व्यूअर्स? आई होप सो यू आर फाइन एंड सुपर। वेलकम टू बिस्मिल्लाह व्लॉग्स। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए एक बड़े मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिएगा, मैंने पिछले दिनों एक ब्लैक कलर में एक सोफ़ा जो है वो बाय किया था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। बिकॉज़ आपको पता है कि मैंने जो अपना व्लॉग जो मतलब स्टार्ट किया था, तो मैं इसको डेली रूटीन में जो भी मतलब मेरे कंसर्न थे या अब जो भी मैं मतलब रूटीन में करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए किस तरह के व्लॉग्स जो हैं वो बनाऊँ। ठीक है, ये देखिएगा। टू, मैं इसका एक ओवरव्यू आपको देती हूँ। थ्री एंड वन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि इसका मटेरियल क्या है। इसका मटेरियल जो है वो ब्लैक वेलवेट है। मैंने वेलवेट जो है वो सिलेक्ट की थी, और वेलवेट जो है मैंने शाइन में सिलेक्ट की थी। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज इसका मतलब दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि वेलवेट में काफ़ी शेड्स होते हैं, ब्लैक वेलवेट में या कोई भी स्टफ़ हो तो ब्लैक के काफ़ी शेड्स होते हैं। और जब आप इसको वेलवेट में सिलेक्ट करते हैं तो इसमें एक वेलवेट में डल ब्लैक भी आता है, वो बहुत जल्दी डस्टी हो जाता है, लेकिन जो शाइन वाला है वो इतनी जल्दी डस्टी नहीं होता है। ठीक है, और अब इसकी मैं आपको कुशन का बताती हूँ। ये देखिएगा कितने मज़े के उन्होंने इसकी फिलिंग की हुई है, बिल्कुल भी ये मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ टेक लगाएंगे तो ये कोई मतलब थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा या कोई ऐसा सिलसिलाकार है। इसका मोटिव जो है वो भी वेलवेट के साथ ही बनाया गया है। वेलवेट में गोल्डन कलर ले लिया था, ब्लैक के साथ गोल्डन बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन था, बहुत अच्छा कम्बिनेशन मुझे लगा, तो मैंने ये दो कलर चूज़ किए, ब्लैक और गोल्डन। इसकी कोशिश बहुत अच्छी हुई है, ये देखिएगा, ये देखिएगा ये चीज़ यहाँ से, ये देखिए इसके ब्लैक जो हैं ये लगे हुए। एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली सोफ़ाज़ के इस साइड पे बिल्कुल भी वो इसको कवर्ड मतलब नहीं करते, सिंपल स्टफ़ लगा देते हैं और ना तो कोई मतलब यहाँ इस साइड पे कोशिश होती है कोई ऐसा सिलसिला करने की। इस सोफ़े में इसकी इस साइड पर भी कोशिश है, जस्ट बैक साइड जो है उस पर मतलब इसकी वो मतलब जो पोशीश का जो मटेरियल होता है वो ऐड नहीं, बाकी स्टफ़ लगा हुआ है। इस तरह से मैं आपको बैक का भी एक हल्का सा व्यू दे देती हूँ। ये देखिएगा, ये इसकी बैक है। ठीक है, ये देखिएगा, इसके साथ मैंने बड़े वाले कुशन जो हैं वो सिलेक्ट किए क्योंकि छोटे वाले कुशन इसके ऊपर सूट नहीं कर रहे थे, तो मुझे बड़े वाले कुशन के साथ ये अच्छा लगा, इसकी एक लुक बड़ी अच्छी आ रही थी। मोस्टली लोग जो हैं ब्लैक कलर को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह से आई लव ब्लैक कलर, मुझे भी बहुत पसंद है ब्लैक कलर। ये देखिएगा, ये थ्री में। और मेरी मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन जो ऐसे लोग जिनके मतलब कि इतनी स्पेस नहीं है ड्राइंग रूम में या जहां में भी आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है, तो ये उनके लिए बेस्ट सोफ़ा है क्योंकि इस बहुत स्लिम है, सीट का तो वही साइज़ है लेकिन स्लिम है, इसका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये इजीली एडजस्टमेंट इसकी हो जाती है। अभी तो मैंने इसको मतलब जस्ट ये अभी आया ही है, जैसे ही मैं इसकी सेटिंग करूँगी तो मैं आपको इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के बताऊँगी। ये देखिएगा, अब मैं इसका एक मोटिव इसका एक कुशन जो है वो आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ कि ज़रा, ये देखिएगा। मैंने अभी इसके साथ ब्लैक कर्टन भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जैसे मुझे वो भी मतलब के डिलीवर होंगे तो मैं उसकी भी आपको वीडियो जो है वो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। और व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसकी प्राइस क्या है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं, ये ओनली 45,000 में है, ये कोई 80,000 में नहीं है, 60,000 में नहीं है,
ये 45,000 में मैंने लिया है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो प्राइस जो है वो बड़ी अप जा रही हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपके साथ इसकी प्राइस भी शेयर करती चली जाऊँ। अगर आप भी इस तरह का सोफ़ा जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन से जो है वो आगाह कर सकते हैं, ठीक है। ओके व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।